19/7/2023 को धर्मपुर डिपो प्रबंधक द्वारा आदिवासी समुदाय की एक बेटी के गलत विलंबन से संबंध में धर्मपुर डिपो के ड्राइवर कड़गर सहित डिपो प्रबंधक से स्पष्टीकरण मांगा गया। दिनांक 17/7/2023 धर्मपुर से बिलीमोरा जा रही बस का ड्राइवर नशे की हालत में था, जिसने यात्री बस रोककर उतर गए और मामले की सूचना बस में ड्यूटी पर मौजूद कंडक्टर ने दी। दिनांक 17/7/2023 कंट्रोल पॉइंट में 1/22 पर और 1/30 पर टेलीफोन पर ATI को सूचित किया गया और डिपो मैनेजर एवं शांतिबेन देवाशी बिलपुड़ी ने मुझे लगता है कि एक आदिवासी समुदाय से हूँ इसीलिए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। और डिपो मैनेजर द्वारा यहाँ कितना उचित है कि डिपो मैनेजर सावधानी बरतती जा रही है। आज सुबह धर्मपुर डिपो से तोरणवेरा गाले जाने वाली बस संख्या 0964 में छात्र बस में पानी गिर जाने के कारण बस में खड़े होकर यात्रा कर रहे थे और डिपो प्रबंधक से बस की मरम्मत के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि यदि उचित धन उपलब्ध कराया जाए सरकार को आप बसों की मरम्मत कर पाएंगे। समस्या यह है कि पास ही एक आदिवासी क्षेत्र है, इसीलिए इसे इस तरह चालू रखने में डिपो प्रबंधक की लापरवाही स्पष्ट दिखाई देती है। ATS द्वारा परेशान करने वाली हरकतों की शिकायतें भी की गई। अगर इस बैंड को उचित न्याय नहीं मिला तो आने वाले दिनों में धर्मपुर डिपो पर धरना कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। धर्मपुर तालुका पंचायत आदिवासी स्वतंत्र सदस्य कल्पेश पटेल। तारीख 17/7/2023 ना दिवसे एक बस ड्राइवर नशा में होवाने कारण पब्लिक द्वारा होबाड़ो कर बस अटकाई देती है। त्यारबाद शांतिबेन करने कंडक्टर एमने एक ने 22 और एक ने 30 डेपो खाते जेते विभाग ने जाण करवामां आवी छे। त्यारबाद डेपो मैनेजर द्वारा एमना पर सस्पेन्शन की कार्यवाही करवामां आवे छे और अंदर कारण लखवामां आवे छे कि तमे अमने जाण नहीं करी। तो ATI विभाग और कंट्रोल रूम ये धर्मपुर डेपो मैनेजर अलग विभाग से कि एक ज विभाग से हमने तपासू रू आदिवासी समाज की दीकरी से एट्ले खोटी रीतना आ डेपो मैनेजर द्वारा हैरान कर रही है। यह तात्कालिक सस्पेन्शन ऑर्डर कैंसल कर न आए तो आगामी दिवस में आ डेपो मैनेजर विरुद्ध में कार्यक्रम कर।